बीमारी सीआईए पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया है जो डॉक्टर बनने की बजाय ऐसे गलत संगत में पड़ा कि उसने महंगे शौक पूरे करने के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सियन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब युवक डॉक्टर बनने की जगह जेल की हवा खाएगा। ये बच्चा यही नव बाल भवन स्कूल में पीएमटी की कोचिंग ले रहा है। दूसरा इसका साथी रवि जो भिवानी का रहने वाला है, वह भी पीएमटी की कोचिंग ले रहा है। दोनों बच्चों ने पैसे की कमी, इनके पास पैसे जब कम हुए और घूमने फिरने की आदत थी, पैसे खर्च करने की आदत थी, तो स्कीम बनाई कि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से पैसे लिए जाए। और उसी स्कीम के अंतर्गत इन्होंने पहले एक अपने दोस्त, क्योंकि ये दिल्ली में पढ़ा हुआ था पहले, और वहाँ दिल्ली अपने दोस्त से किसी लड़की को फ़ोन करने के बहाने एक सिम प्राप्त किया। उस दोस्त ने इनको पुराना सिम जो वो पहले यूज़ करता था वह प्रोवाइड करवा दिया। उसी सिम से इन्होंने नया फ़ोन लेकर एक दुकान से 500 रुपए का फ़ोन लिया भिवानी रोहतक रोड से, उसमें वो सिम डालकर कॉल की एक्शन को ये पहले से इसलिए जानता था क्योंकि यह है पहले सेक्टर 13 में एक्शन के नीचे रहता था, एक्शन इनके ऊपर रहता था। इसका घर में अच्छा आना जाना था, उसके सारे परिवार को ये जानता था। अगर भी उसके पास पैसे हैं इसलिए उन्होंने इसको टारगेट बनाया और अपनी आवाज़ बदल कर उसको धमकी दी, भाई या तो 2 दिन के अंदर तो 50 लाख रुपये प्रोवाइड कर दे, नहीं तो आपके बच्चों को उठा के मार दिया जाएगा। नहीं, अभी तक तो पैसा जो है ना मांगा गया था, जिस सिम से धमकी दी गई थी मोबाइल के, वह सिम बरामद कर ली गई है। इसके पास से एक चंडीगढ़ नंबर की बाइक CH32T8526 बरामद हुई है। यह बाइक इस द्वारा अपने दोस्त के नाम खरीदनी मालूम हुई है और यह बाइक भी इसने अपने घर से करीब 2-3 महीने पहले चोरी की थी। 2,35,000 रुपये इसने चोरी किए थे, उसी पैसे से इसने ये बाइक खरीदी थी। उसमें से कुछ पैसे इसने अपने दोस्त को भी दिए थे, कुछ पैसे इन्होंने वैसे खर्च दिए और कुछ पैसे इसके अकाउंट में भी पड़े हैं। इसका परिवार एक संभ्रांत परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। इसके पिता साइंस टीचर हैं, गांव में पढ़ाते हैं। हाँ, यस, सरकारी टीचर हैं। इसकी मदर भी पहले सरकारी टीचर थी, जिसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए खुद की नौकरी छोड़ दी और इस बच्चे को पढ़ाने के लिए वह दिल्ली में भी गई अपनी नौकरी छोड़ के, लेकिन बच्चा गलत लाइन में पड़ गया और गलत रास्ते पर आ गया।